आशीष और ये है Redmi Note 10 Pro Max और ये है मेरे पास ब्रॉन्ज कलर में 128GB वाला वेरिएंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इसे अनबॉक्स करने के लिए और ट्राई करने के लिए। बहुत मुश्किल से इसे अरेंज किया है क्योंकि रिव्यू नेट आता नहीं है और जैसे तैसे मिल गया जाए, तो चलिए कर लेता हूँ मैं इसे अनबॉक्स। ये है Redmi Note 10 Pro Max का बॉक्स ब्रॉन्ज कलर में और इसमें ब्रॉन्ज कलर ही मैंशनड है। यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। साइड में Redmi Note 10 Pro Max लिखा हुआ है। पीछे की ओर मेन हाइलाइट्स है जो आप लोग को जहाँ तक पता ही होगा और मेड इन इंडिया का मेंशन है। तो कर लेता हूँ मैं बॉक्स को ओपन। तो ये आप लोग को मेन हाइलाइट्स दिख रहे होंगे और मेन जो मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें पसंद आया वो है ये फीचर। कर लेता हूँ मैं बॉक्स को पहले ओपन, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ओपन करते ही हम लोग को एक और ये बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें भी लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय Redmi। और इसको ओपन करने से सबसे पहले आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है, पेपर वर्क, ये केस देखने को मिलता है जो थोड़ा मैट फिनिश में है, थोड़ा फ्रॉस्टेड है, ज़्यादा चीप भी नहीं है, तो ये अच्छी बात लगी। उसके बाद ये फ़ोन रखा हुआ देखने को मिल जाता है, ये फ़ोन रखा हुआ देखने को मिल जाता है और फर्स्ट लुक में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। कैमरे में भले समझ नहीं आ रहा है। 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, पता है इसलिए मैं ये ऐसे ही बता दिया। टाइप सी टू टाइप ए केबल देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, यही सब देखने को मिलता है। ये प्लास्टिक में रैप्ड है और इसको मैं कर लेता हूँ पील को ऑफ और ये फर्स्ट लुक में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा जो इसका कैमरा बम्प वगैरह है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मीन्स बहुत प्यारा लग रहा है आप अगर कैमरे में देख पा रहे हो तो। कर लेता हूँ मैं इसको बूट, फिर आकर इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कैमरा में इसका लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पूरा सेंसर वो हिल जा रहा है और MIUI 12 के साथ ओपन हो जाता है। मैं कर लेता हूँ इसको सेटअप। तो ये थी अनबॉक्सिंग इस Redmi Note 10 Pro Max की और काफ़ी मुश्किल से मैंने ये फ़ोन अरेंज किया है। तो इस बात के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में। बात कर लें फ़ोन की, तो सबसे पहले मैंने इसे अनबॉक्स किया तो मुझे पहला जो आया वो था इसका हैंड ऑन फील, बहुत लाइट वेट फील हुआ। मीन्स इससे पहले मैं पोको यूज़ कर रहा था और इन दोनों में ये बहुत लाइट वेट है क्योंकि ये शायद 220 या 210 ग्राम का है। 20 ग्राम में भी इतना फ़र्क पड़ता चलेगा नहीं पता था और ये स्लिम भी है इसलिए इतना है कि हैंडी फील होता है। और ऊपर की साइड इसका जो कैमरा बम्प है बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर मैं इसे टेबल में रख कर चैटिंग वगैरह करूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ोन हिलता है और कवर लगा दूंगा तो ये प्रोटेक्ट भी हो जाता है। और इसके कवर में आपको कैमरा के साथ थोड़ा सा और उभरा हुआ देखने को मिल जाता है जिससे इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे, जो मुझे काफ़ी अच्छा अप्रोच लगा। जो इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा है सच में 108 मेगापिक्सल का है और मुझे लगा था कि सेंसर जो है वो लैग मार सकता है क्योंकि प्रोसेसर इतना हाई एंड नहीं है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो आपको पोको X3 में अभी तक लगा हुआ देखने को मिला है, उसके बाद 5G नहीं है। बट इसमें आपको कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है और जो इसका UI है इसमें आपको सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और ये लिटरली फील होता है। अब तक मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ है, बाद में हो तो पता नहीं क्योंकि अभी ये भरा हुआ नहीं है। और इसका आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाता है MIUI 12 पे बेस्ड, और मैं MIUI 12 को मिनी iOS बोल सकता हूँ क्योंकि जो इसका नेविगेशन बार वगैरह है वो कुछ उसी टाइप का है, बट काफ़ी अच्छा लगता है इसमें भी और काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। इसके फ्रेम प्लास्टिक के आपको देखने को मिल जाते हैं, एमोलेड होने के कारण आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और स्टीरियो स्पीकर है इसमें, मीन्स ऊपर नीचे दोनों स्पीकर आपको देखने मिल जाते हैं। IR ब्लास्टर भी इसमें आपको देख लगा हुआ मिल जाता है और ऊपर की साइड आपको 3.5mm वाला ऑडियो जैक देखने मिल जाता है। कैमरा बम्प बहुत ज्यादा बड़ा है, भले इसका डिजाइन बहुत अमेजिंग है, Xiaomi इसी टाइप के डिजाइन लाने वाला है, लाइक सैमसंग अपना डिजाइन अभी कुछ डॉट डॉट करके ला रहा है वैसा। कैमरा की बात कर लें तो आपको क्वाड कैम सेटअप बैक की साइड देखने मिलता है जो है 108+5+2+8 मेगापिक्सल का कैमरा, और मुझे लगा था कि फोटो लेने में 108 मेगापिक्सल में लैग मार सकता है बट ऐसा नहीं हुआ, लैग नहीं मारा और काफ़ी अच्छे से शॉट लिया। और स्टोरेज लेता है ना 108 मेगापिक्सल 24 MB का चल लेता है और इसमें बहुत सारे कैमरा फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मीन्स आपको व्लॉग मोड देखने को मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा, लॉन्ग एक्सपोजर, मीन्स जो पीछे की साइड लाइट रहता है वो वाला, क्लोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप एक फीचर है ड्यूल वीडियो,
इसे आप यूज कर सकते हैं, मीन्स इससे आप फ्रंट और बैक दोनों की दोनों कैमरा एक साथ यूज करते हुए बना सकते हैं वीडियो। आप इसका भी सैंपल देखिए। तो इसमें आपको डबल वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और पीछे की साइड आप लोग देख रहे होंगे ये वो रखा हुआ है और आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये मेरा टेबल दिख रहा होगा आपको और राइट साइड थोड़ा कन्फ्यूजिंग है अभी मेरे लिए, और ये टेबल है मेरा और यहाँ पे आप छोटे स्क्रीन में मेरे देख रहे हैं आप, और इसे आप वीडियो चलते चलते चेंज कर सकते हैं और चाहे तो इससे फोटो भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर लगा। जो डिस्प्ले की बात कर लूँ तो आपको 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और अब तक मुझे कोई लैग फील देखने को नहीं मिला है और इंस्टाग्राम वगैरह सब में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। और जो इसका पंच होल है बहुत ज़्यादा छोटा है और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। इस बार Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है और अराउंड 75 मिनट में फुल चार्ज कर देगा 0 to 100 5000 mAh बैटरी को, 5020 mAh बैटरी को। ये पूरा दिन चल जाएगा मुझे लगता है क्योंकि 5000 mAh है। और मैं इस बार कंपनी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इतना लाइट वेट के बाद भी 5000 mAh की बैटरी दी। और बस इस फ़ोन के बारे में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और मैं इसका फुल रिव्यू जरूर लाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड रहना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।